सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 13.0.1.0 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट सभी Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट है। लेकिन यार अभी भी ना कुछ यूजर्स को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, या फिर गाइस कुछ यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिला था तो वो किसी कारण बस अपडेट को डाउनलोड नहीं कर पाए थे। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद अपडेट को चेक करते हैं तो उन्हें अपडेट शो नहीं कर रहा है। तो फाइनली उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा यार, इसके बारे में हम बात करने है। इसी के साथ में हम बात करेंगे अपडेट के इंस्टॉल प्रोसेस के बारे में। सो गाइस अगर आप भी हैं Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार फाइनली Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 13.0.1.0 वर्जन का अपडेट सभी Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट है। एंड गाइस ये अपडेट के साथ में ना आप लोगों को Android 12 का भी अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस सभी यूजर्स के लिए जो अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है वो अप्रॉक्स 4 डेज पहले से ही अपडेट मिलना स्टार्ट है, जो कि आप लोगों को हम एक वीडियो बना के भी इन्फॉर्म कर दिए थे। लेकिन यार कुछ यूजर्स अभी ऐसे हैं जिन्हें अपडेट देखने के लिए मिला था, वो किसी कारणवश अपडेट को डाउनलोड नहीं किया तो यार अपडेट गायब हो गया था। तो उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अपडेट जो सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट होता है तो अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है, एंड अपडेट अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइज अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिला था, अगर आप डाउनलोड नहीं किया, अगर अपडेट गायब हो गया है तो आप 2 से 3 दिन का वेट कर लो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फिर से आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइज अपडेट का जो फाइल साइज होने वाला है वो अप्रॉक्स 3 GB के आसपास ही फाइल साइज होने वाला है। एंड जिन यूजर्स को अभी तक अपडेट देखने के लिए मिला ही नहीं था उन्हें भी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना कि जब फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिलता है तो यूजर्स क्या करते हैं ना कि अपडेट को जो डाउनलोड में लगाते हैं ना वो किसी कारण बस अपडेट को बीच में ही पॉज कर देते हैं। उसी क्रम में कुछ बग एंड इशू क्रिएट हो जाता है जो कि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में वो बग एंड इशू फेस करना पड़ जाता है। सो अगर आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो यार आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।